हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। मैसेज जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज है फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का छठा दिन और आज मैं 5 टिप्स दूंगा आपको। वो जो 5 टिप्स हैं आपने डेली रूटीन में अपनी यूज़ करनी है एक अच्छे एक्टर बनने के लिए। ये 5 चीज़ें आपकी डेली रूटीन में ज़रूर होनी चाहिए। जो सबसे पहली रूटीन है वो है रनिंग, क्योंकि अगर आप चाहे जिम में जाएं या ना जाएं, लेकिन आप अगर रेगुलर सुबह आप रनिंग करेंगे तो इससे आपका जो स्टैमिना है वो बना रहेगा। चाहे आप 10 घंटे काम करें चाहे 12 घंटे काम करें, वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सुबह रनिंग ज़रूर करा कीजिए। ये पहला पॉइंट आप अपने निजी ज़िंदगी में आप बना लीजिए कि एक अच्छे एक्टर के लिए रनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप जानते हैं कि अक्षय कुमार जो सुबह 5-5 बजे उठते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री में फेमस हैं, तो मेन रीज़न उनका यही है कि वो आज भी इतने एक्टिव हैं। जो सेकंड पॉइंट है कि आपने जिस भी लैंग्वेज में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने पंजाबी लैंग्वेज में काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने हिंदी लैंग्वेज में काम करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपने वर्क करना है एज एन एक्टर, यानी आप पंजाबी फिल्मों में काम करना चाहते हैं या हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, हिंदी सीरियल्स में काम करना चाहते हैं या पंजाबी सीरियल्स में काम करना चाहते हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपने उसी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर रोज रीड करना है। तीसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो हो सकता है आपको एक दिन करेक्टर आपको डॉक्टर का मिल जाए, दूसरे दिन आपको बैंक मैनेजर का करेक्टर मिल जाए, तो आपको दोनों का बैलेंस तभी आप कर पाएंगे ना जब आपने उन लोगों को ऑब्जर्व किया होगा। जब आप बैंक में जाएं तो उनको ऑब्जर्व करें कि बैंक मैनेजर या बैंक एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, शॉप वाला है वो शॉप पर अपनी सेल्स कैसे कर रहा है, वो कैसे कस्टमर से बात कर रहा है। कोई भी करेक्टर आपको मिल सकते हैं मूवीज़ में, तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, बैंक वाला तो ऐसी बात करता था, मैं भी ऐसी बात करूं। तो ये चीज़ें, तो इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिरर प्रैक्टिस। जहाँ भी आपके घर में शीशा लगा है वहाँ आप कुछ लाइंस निकाल कर जो भी आपको मूवी पसंद हो उस एक्टर्स को अपने शीशे के सामने रिपीट करें 10-15 बार डेली, जिससे क्या रहेगा कि आपको खुद का चेहरा पता लगेगा कि आप जब बोलते हैं तो आपका चेहरा कैसा आता है, आपका फेस इंप्रेशंस कैसे आते हैं, आप कैसे बोल पाते हैं, ठीक है। तो मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में 10-15 डायलॉग्स मिरर के सामने बोलिए, तो अप्रॉक्सली आधे घंटे की बात रहेगी और इससे आपका जो एक्टिंग में निखार आएगा और एज एन एक्टर आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो जो 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैमरा प्रैक्टिस। अब आप सोच रहे होंगे कैमरा तो हमारे पास है नहीं है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आपके पास फ़ोन है उसमें कैमरा लगा हुआ है और बस आपने उस कैमरे में देख कर अपनी वीडियो बनानी है। अपनी हर डेली रूटीन में एक वीडियो किसी भी पर्टिकुलर डायलॉग पर बनानी है, तो देखना है कि आपको खुद की वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही। हो सकता है आपको खुद की वीडियो भी पसंद ना आए, तो आप उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। चीज़ और आपको एडवाइस दे देता हूँ, अगर आपको आपकी वीडियो खुद को पहचानने में नहीं समझ आ रही कि अच्छा किया है या नहीं किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, प्रोफाइल पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे उस वीडियो को भेजिए, मैं खुद चेक करूंगा। अगर मुझे जो भी उसमें कमी या अच्छी चीज़ लगेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये थे 5 पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी आर्टिस्ट एंड एक्टर काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में उन तक ये वीडियो पहुंचे। और फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स की निरंतर वीडियोज ऐसे जारी रहेंगी, और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।